हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीज नेट प्रो पे। दोस्तों आज 29 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका हम एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और इवनिंग में जो पेपर हुआ है उसके अभी तक हमारे पास क्वेश्चन नहीं आए, उसका वेट करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि मॉर्निंग में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। और दोस्तों इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लिमिज नेट प्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। और दोस्तों साथ ही साथ कंप्लीट स्टडी नोट्स के लिए, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमारी ऐप निमीज नेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको फ्री में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, प्लस में और भी बहुत कुछ उसमें मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर हमें भेजा है साक्षी राजपूत ने भेजा है, सबसे पहले उनको थैंक यू ये हमें क्वेश्चन शेयर करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो सीरीज से क्वेश्चन आया था तो बिल्कुल इजी था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8, 12, 28, 52 की सीरीज़ का आया था और इसका जो आंसर था 84 था। और अल्फाबेटिकल सीरीज़ की हम बात करें तो इसके अंदर बी डी एफ ई जी आई एच जे एल का ये क्वेश्चन आया था और इसका आंसर इन्होंने के एम ओ दिया है। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों एज एंड रिलेशन से क्वेश्चन आता है, हमेशा लगभग इसमें से क्वेश्चन आता ही, और ये क्वेश्चन अब की बार फिर से रिपीट हुआ है, ये भी बिल्कुल आसान था दोस्तों। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों मोटर बाइक से, यानी कि चाल और स्पीड से क्वेश्चन आता है, तो ये अब की बार फिर इसमें से रिपीट हुआ है कि एक मोटर बाइक 150 किलोमीटर जाता है, ट्रेवल डिस्टेंस करता है। सबसे पहले वो 50 किलोमीटर की स्पीड से तो जाता है और वापस आता है, तो 30 किलोमीटर की स्पीड से वो वापस आता है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ कि किस तरह से करना है, और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हमारे पहले भी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। और दोस्तों अगर आप एक चीज़ देखेंगे ना, आप 24 सितंबर से हमारे एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, तब से लेके अब तक एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी टॉपिक हैं वो पीछे आ चुके हैं, कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, हर टॉपिक रिपीट हो रहा है, कोई भी सिलेबस से या हमारे ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर से बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कीजिए अगर आपको नेट और जेआरएफ करना है तो। और इसी के लिए दोस्तों हमने आपको फ्री में हमारी ऐप के अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर विद आंसर की हिंदी इंग्लिश के अंदर आपको दे रखे, अगर आप चाहे तो वो बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आगे हम बात करें दोस्तों यहाँ पे डिडक्शन इन रिसर्च से क्वेश्चन आया था, उसके बाद में जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म रिलेटेड टू निर्वाणा, ये सभी क्या थे कि मैचिंग में करना था, इनको मैचिंग करना था, इंडियन लॉजिकल से क्वेश्चन आया हुआ था। ये हमारा एक नया टॉपिक है, इससे रिलेटेड पहले ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा हमें समझना ज़रूरी है अच्छे से। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी से एक क्वेश्चन आया हुआ था, और उसके बाद में हम बात करें 1956 यूजीसी समथिंग रीजनिंग टाइप, ये इन्होंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं भेजा, इनको भी शायद याद नहीं रहा होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूजीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और ये हमने आपको काफ़ी अच्छे से करवाया हुआ है, और ये इनका समझ में नहीं आया, सीआई का क्वेश्चन आया था, ये समझ में नहीं आया दोस्तों क्या कह रहे हैं। उसके बाद में डीआई वाज ओके नॉट टफ, डीआई आप देखेंगे दोस्तों बिल्कुल आसान आ रहा है, पहली शिफ्ट से लेके आज तक बिल्कुल आसान आ रहा है। और दोस्तों हमेशा मैं आप सभी को कहता हूँ कि डीआई आप करके ज़रूर देखना, एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जीआईएफ की फुल फॉर्म पूछी हुई है, ये जीआईएफ की फुल फॉर्म दोस्तों पहले डिट्टो कॉपी रिपीट हो चुकी है पहले। और आगे हम बात करें दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सभी मैचिंग के अंदर आए हुए हैं दोस्तों, और ये क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस कन्वेंशन, ये सभी पहले भी डिट्टो कॉपी रिपीट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों जिन दोस्तों ने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर किया हुआ है उनको आसानी से पता है कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आगे मैं बात करूँ दोस्तों जैसे मेमोरी से क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे कैसे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसको अरेंज करना था, सीरीज वाइज लगाना था, और ये मैंने आपको बहुत 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 अच्छे से करवाया है, और ये अभी मैंने आपको कुछ दिन 2-3 दिन पहले भी ये क्वेश्चन करवाया था कि मेमोरी से हर बार क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। आगे जो एग्जाम होंगे उनमें हो सकता है के बी जी बी एम बी टी बी उनमें से क्वेश्चन आ जाए,
और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसमें से डिट्टो कॉपी क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ये पेपर है, इसमें से भी आप देख सकते हैं कितने डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, ये देखिए थर्मल पावर प्लांट से इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है और पहले भी इसमें से क्वेश्चन आया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कम्युनिकेशन, और ये मैचिंग के अंदर आए हुए थे दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कम्युनिकेशन, इनसे क्वेश्चन डिट्टो कॉपी पहले रिपीट हो चुके हैं। आपको शायद यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो दोस्त जिन्होंने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करके देखे 2012 से लेके दिसंबर 19 तक, उन सभी को पता है कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करके देखें। आगे हम बात करें दोस्तों, जैसे इन्होंने एक और दोस्त ने हमें ये क्वेश्चन बताए थे, जैन सर ने हमें ये क्वेश्चन बताए थे। आगे उन्होंने बताया था कि मैथ और डीआई बिल्कुल ईजी आया था, उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था, आसान था वो भी, और उसके बाद में रिसर्च से शायद ये था मैचिंग में था, ये हाइपोथेसिस से क्वेश्चन था, सैम्पलिंग से और पैरामीटर से क्वेश्चन था। पैरामीटर किसको डिफाइन करता है? पॉपुलेशन को, और सैम्पलिंग सैम्पल सैम्पल को डिसाइड करता है। तो ये है दोस्तों इसके अंदर। और अगर वही दोस्तों वही चीज़ आ रही है घूम फिर के कि हम देखें, तो इनके अंदर ज़्यादातर जितने भी टॉपिक और क्वेश्चन है लगभग रिपीटेड आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप चाहे तो लिख सकते हैं, अगर जो दोस्त नए हैं उनको नहीं पता। तो मेरा नंबर है 8708321010, 87083210, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों हम सभी यूनिट के स्टडी नोट्स अपडेट कर रहे हैं, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपडेट कर रहे हैं, आपको टॉपिक वाइज उसमें करेक्शन कर रहे हैं। तो करीब 4-5 दिन बाद में आपकी रेगुलर क्लास होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।